नमस्कार वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीन आवाज से। दोस्तों, चारों तरफ कोरोना का कहर मचा हुआ है और सभी कोरोना से भयभीत हैं। आपको बताऊं कि दुनिया भर में 6600 से ज़्यादा कोरोना की वजह से मौतें हो चुकी हैं और 130 से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित लोग भारत में पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग कोरोना से प्रभावित हैं। 39 मरीज कोरोना के मिले हैं अभी तक महाराष्ट्र में, और इसकी वजह से आज अभी महाराष्ट्र सरकार का भी फैसला आया कि अगले सात दिन तक सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और हर गांव में, हर पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में, परिषद में, नगर परिषद में, सभी अपने अपने गांव में साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं और सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो या फिर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अपने गांव में इस समय जन जागृत कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है, कोरोना से लड़ा जा सकता है और जिससे हम अपनी जान बचाई जा सकते हैं। और ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला नगर परिषद कन्हान में, कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए क्या करें क्या ना करें, उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है, उसके लिए साफ़ सफाई हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हो, सारी चीज़ें यहाँ पर भी की जा रही हैं और ऐसे ही शायद और भी पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर परिषद में की जा रही हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस का वायरस चल रहा है। इस वायरस को हमारे नगरी में आएगा तो नहीं, पर इस माध्यम से हम संपूर्ण कन्हान स्वच्छता अभियान करके एक गांव वालों को नया दिशा देने का काम हम लोग कर रहे हैं और हमारे नगर परिषद के वती से आज हम स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम अपने विष्णु लक्ष्मी नगर में ले रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का जो वायरस चल रहा है, इससे हमारे गांव की जनता को कोई प्रकार का आरोग्य को धोखा न हो, इसीलिए हम ये साफ सफाई अभियान कर रहे हैं। जो कोरोना का जो वायरस चांगला चांगल्या पद्धति ने वाढ़ होता है, त्या पद्धति ने जे आम नगर परिषद ने जो चांगला एक स्वच्छ भारत अभियान आणि म्हणजे पूरा देशात चालू आहे, तसंच पहिलेपासूनही स्वच्छ भारत अभियान, पण कसं होते, जोपर्यंत लोकांचा साथ मिळणार नाही तोपर्यंत आपण काहीच करू शकत नाही। मी सगळ्या मित्रांना आणि सगळ्या ह्या गावकऱ्यांना एकच आग्रहाची विनंती करतो, मित्र हो, आम्ही एक किंवा दोन दिवस किंवा तीन दिवस, पण माझं असं मत आहे की जे स्थानिक इथे राहतात त्यांनी चांगल्या पद्धतीने आपल्या घरासमोरचा कचरा कशा पद्धतीने आपण घर साफ केलं पाहिजे, जसं आपलं घर साफ तसं आपलं गाव साफ झालं पाहिजे, हा खूप मोठा एक संदेश आहे। गुसाजी नगर, यशवंत नगर, विष्णुलक्ष्मी नगर इथे साफसफाई अभियान सुरू केलेलं आहे। या अंतर्गत आम्हाला एवढंच सांगायचं आहे सर्व नगरवासियांना की आपलं घर जसं स्वच्छ ठेवतो आपण, तसं त्याचप्रमाणे आपला परिसर भी स्वच्छ ठेवायला पाहिजे, कारण की मोठ्या प्रमाणात कोरोना व्हायरस हा फैलत चाललेला आहे। कोरोना व्हायरस अशी फार लहान बिमारी अशी समजू नका, त्याच्यामुळे त्या कोरोना व्हायरसमुळे जीवाची हानी होतो, जीव जातो, आणि आपल्याला हा आपला परिसर स्वास्थ्य साफसफाई व्यवस्थित ठेवल्यामुळे हा बिमारी पसरणार नाही। दोस्तों, आखिर क्या है कोरोना के लक्षण, ये विशेष करके जानना जरूरी है कि अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, तो बुखार हो रही है या फिर नाक तेजी से बह रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कोरोना ऐसे व्यक्ति को अटैक कर सकता है। तो ऐसे में आपको सर्दी खांसी से बचने की ज़रूरत है, ठंडी चीज़ ना खाए और क्या करें आखिर इससे बचने के लिए, तो सबसे पहले तो कि किसी से हाथ ना मिलाए, नमस्कार करके ही उससे बात किया जा सकता है। सैनिटाइज़र का यूज़ करें, बार बार सैनिटाइज़र लगाए, हाथ ठीक तरीके से धोए। सैनिटाइज़र भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो, अगर अल्कोहलिक सैनिटाइज़र अगर मिलता है तो ज़्यादा ही ठीक होगा। तो ऐसे में हाथ आप ठीक तरीके से धोए, बार बार हाथ धोए, सार्वजनिक जगहों पर हाथ ना रखें, या फिर किसी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए या फिर उससे दूरी बनाकर रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाने की नसीहत दी जा रही है। और सार्वजनिक जगहों पे ना जाएं इस वक्त, अपने आप को इसके प्रिकॉशंस लेने के लिए, इससे प्रिकॉशंस लेने की बेहद आवश्यकता है। जब तक टेम्परेचर आगे बढ़ नहीं जाता है, 35-37 डिग्री क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक कोरोना का प्रकोप इसी तरह कायम रहेगा और तब तक आपको बचने की आवश्यकता है। और आने वाले एक हफ्ते के बाद ये टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और इसीलिए एक हफ्ते तक की छुट्टियां सरकार द्वारा घोषित की जा रही हैं। तो ऐसे में कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है, उससे बचने के लिए उपाय क्या हो आप उसे और भी अच्छी तरीके से नेट पर सर्च कर सकते हैं और बचने के उपाय के बारे में सोचिए। घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराइए मत, उपाय ठीक तरीके से सोचिए और प्रिकॉशंस लीजिए। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीन आवाज से, जय हिंद।